सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा रूल है और काफी ज्यादा पेपर में वो पूछा भी जाता है। चलिए इसी को हम बोलते हैं, देखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। देखिए गाइस कुछ क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, अगर आपने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर उसका ऑर्डर पढ़ा हुआ है तो देखते हैं एडजेक्टिव का क्या ऑर्डर बनता है। देखिए जैसे फर्स्ट मैंने यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई बॉट टाइनी रेड न्यू ब्यूटीफुल अमेरिकन अ गोल्ड राउंड रिंग। क्लियर? अब इधर देखिए क्वेश्चन में ये है कि मैंने खरीदा टाइनी मतलब छोटा, रेड न्यू ब्यूटीफुल अमेरिकन, तो इसको आगे पीछे करके आपको एग्जैक्टली मतलब एक सही ऑर्डर में बताना है इसको ना आंसर। अब इधर देखिए अगर आप इसे करने बैठेंगे सो आपसे नहीं हो पाएगा वो। क्यों? क्योंकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक अगर आपको याद है तो उसके भी यहां पे आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब वो क्या शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के अंदर ये देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है एन ओ एस ए एस सी ओ एम पी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड नॉसेंस कॉम्प। क्या बोला जाता है इस शॉर्ट ट्रिक को? नॉसेंस कॉम्प। क्लियर? नॉसेंस कॉम्प क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले हमें एन पे चलना है एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर। इधर देखिए नंबर कैसे, अगर आपके सेंटेंस में आता है ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जितने भी आप बोलना चाहें है ना, मतलब आपको सेंटेंस में कितने भी दिए हो, मतलब अगर नंबर में कोई चीज बात की जा रही है तो सबसे पहले उसे आपको यूज करना है। सेकेंड पॉइंट इज ओपिनियन। ओपिनियन के अंदर की ओपिनियन कैसी है किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की, जैसे कोई स्मार्ट है या कोई व्यक्ति हैंडसम है या कोई चीज या व्यक्ति ब्यूटीफुल है, अगली है, स्टनिंग है, तो ये आपको पता चल रहा है ये एडजेक्टिव का पार्ट है जिसके अंदर ओपिनियन के बारे में बात की जा रही है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें एस, एंड एस स्टैंड्स फॉर साइज। साइज कैसे? तीसरे नंबर पे आपको लगाना चाहिए था, देखिए ये था फर्स्ट नंबर पे, ये था सेकंड पे, ये थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। अब देखेंगे थर्ड है साइज, एस स्टैंड्स फॉर साइज, एस को बोला जाएगा साइज। अब देखिए कैसे, सबसे पहले आपको बिग लगाना है, मतलब बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, इनमें से अगर कोई भी वर्ड आता है तो आपको थर्ड नंबर पे वो प्लेस करना है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ए मींस एज। अब किसी व्यक्ति की एज बताई जा रही है या किसी वस्तु की, जैसे कोई चीज नई है, पुरानी है, लेटेस्ट है या कुछ और भी हो सकते हैं वर्ड, तो हमने यहां पूरे नहीं लिखे हैं क्योंकि थोड़ी स्पेस की कमी है। फिफ्थ में देखेंगे एस स्टैंड्स फॉर शेप। शेप में जैसे राउंड है, कोई चीज स्क्वायर है ना, कोई चीज राउंड शेप में है, कोई स्क्वायर में है या कोई ट्राइंगल में है, तो कैसी भी हो सकती है ना कोई चीज, हो टेबल हो, चेयर हो है ना, डाइनिंग टेबल हो, घर हो, कुछ भी एक्स वाई जेड। चलिए सी स्टैंड्स फॉर कलर। कलर कैसे? रेड है, येलो, ग्रीन, जितने भी आपको कलर पता है अगर सेंटेंस में आ जाता है तो आप उसे इजिली यूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ओ। ओ मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इंडियन है, अमेरिकन है, रशियन है, इसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है वैसे तो, ठीक है, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, जो भी आपको मतलब ना जो भी ओरिजिन इस टाइप से बात करेंगे हम। एट है मटीरियल। मटीरियल मतलब गोल्ड है, कोई चीज अगर गोल्ड की बनी है, सिल्वर की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, आयरन की बनी है, तो इनमें से कोई भी आपको कौन से नंबर पर रखना है? एट नंबर पे। और लास्ट इज पी। पी स्टैंड्स फॉर पर्पस। इधर देखिए पर्पस। पर्पस मतलब क्या पर्पस है, क्या वो एक नाउन है? सेंटेंस में आपने पूरा पढ़ा और उसमें अगर आपको नाउन दिख रहा है तो उसे एंड में लगाना है, या इसी को हम बोल सकते हैं जैसे कोई बर्थडे पार्टी है, कोई एनिवर्सरी फंक्शन वगैरह, जो भी एक्स वाई जेड, तो इनको हमें सबसे एंड में रखना है। क्लियर? आई होप कि ये नॉसेस कॉम्प, देखिए थोड़ी अजीब सी शॉर्ट ट्रिक आपको लग रही होगी नॉसेस कॉम्प, लेकिन यही एक बेहतरीन तरीका है जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपका सही क्वेश्चन करवा पाएगा, अदरवाइज आप वहां पे पेपर में पजल हो जाएंगे और ये क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं ये नॉसेस कॉम्प को कैसे यूज करें, आपको बस फिंगर टिप्स पे याद रखना है नॉसेस कॉम्प, ये नौ पॉइंट्स हैं। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यहां पे इसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए ये देखते हैं। आई बॉट तो इधर आपको पता चल रहा है मैंने खरीदा, आई बॉट तो आपको पता ही है ये तो पहले लगे गई क्योंकि आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है और फिर वर्ब लगता है। क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब का आप यूज करते हैं। उसके बाद अब हम इनमें आपको ऑर्डर वाइज आपको ये लगानी है। सबसे पहले इधर देखिए नंबर, इसके अंदर कोई नंबर आ रहा है ए वन टू थ्री ऐसा कुछ, तो इधर देखिए यहां आ रहा है ए, तो ये जो ए आ जाएगा ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखिए ये नंबर के बारे में बात हो रही है। फिर सेकंड नंबर पे ओपिनियन, स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल ऐसा कुछ है, तो इधर देखिए ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड पे अगर हम बात करें साइज, बिग, स्मॉल कुछ ऐसा है, हाँ जी इधर देखिए यहां लिखा हुआ है टाइनी है ना, थर्ड पॉइंट है टाइनी। फोर्थ पे अगर हम देखेंगे, फोर्थ पे एज, न्यू, ओल्ड, लेटेस्ट ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ है, हाँ देखिए न्यू लिखा हुआ है, तो इसको आप कहेंगे फोर्थ नंबर पे रखेंगे।
फिर देखेंगे फिफ्थ नंबर पे शेप, राउंड है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, हो सकता है उसके अंदर देखते हैं राउंड। इधर देखिए राउंड आ रहा है, तो राउंड आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे। ऐसे ही नेक्स्ट बात करेंगे, अगर सिक्स पे बात करें कलर, कलर क्या है इसके अंदर, जैसे रेड कलर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और यह आ जाएगा सिक्स नंबर पे। सेवन नंबर पे ओरिजिन, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, ऐसा कुछ है? हाँ जी है, अमेरिकन। तो अमेरिकन आ जाएगा आपका सिक्स सेवेंथ नंबर पे। एंड नेक्स्ट वन इज मटीरियल, मटीरियल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कुछ है? हाँ जी गोल्ड लिखा हुआ है, ये देखिए गोल्ड लिखा हुआ है एट नंबर पे। और लास्ट वो कोई नाउन है इसके अंदर? हाँ जी नाउन है, रिंग, पहनने वाली रिंग, जो कि है नौवे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए, इसका सही एक ऑर्डर क्या होना चाहिए, और सही सेंटेंस एक है ना, करेक्ट ग्रामर के हिसाब से इसको बोलना चाहिए आपको, ऐसे आए आई बॉट, पहले ए नंबर, फर्स्ट नंबर पे अ, आई बॉट अ, सेकेंड नंबर पे ब्यूटिफुल, आपको बोलना है ब्यूटिफुल। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आएगा टाइनी, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा न्यू, फिफ्थ नंबर पे आएगा राउंड, सिक्स नंबर पे आएगा रेड, सेवेंथ पे अमेरिकन, अमेरिकन, फिर आएगा रेड अमेरिकन के बाद गोल्ड, नेक्स्ट रिंग, ठीक है। तो इधर देखिए, तो ये इसका एकदम सही ऑर्डर है, आई बॉट अ ब्यूटिफुल टाइनी न्यू राउंड रेड अमेरिकन गोल्ड रिंग। आप खुद बताइए, आप अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पता होगा, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी, नॉसेस कॉम्प वाली, एन ओ एस ए एस सी ओ एम पी, तो आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि पेपर में काफी बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। माई मदर हैड अ ब्राउन वुडन बिग स्क्वायर ब्यूटिफुल इंडियन ओल्ड कॉफी टेबल, है ना। तो सबसे पहले आपको पता चला है ये कॉफी टेबल, देखिए अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि नौवे स्थान पर आपका क्या था, कोई भी पर्पस वाला नाउन, तो कॉफी टेबल तो भाई नौवे पे आएगी, आपको पता ही है। लेकिन कभी कभार क्या हो सकता है कि इसके बीच में से कुछ चीजें स्किप भी हो सकती है, तो आपको ऊपर से लेके चलना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको नौवा आठवा कुछ मिल जाए, आपको ऊपर से लेके चलना है। देखिए सबसे पहले नंबर है कुछ, हाँ जी नंबर आ जाएगा ये फर्स्ट पे, ठीक है। सेकेंड स्मॉल हैंडसम ब्यूटीफुल, ऐसे कुछ है? हाँ ब्यूटीफुल है, ये जगह सेकेंड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखते हैं आपका है बिग स्मॉल, है ना, ऐसा कुछ है टॉल, ऐसा कुछ है? हाँ ये रहा बिग। तीसरे नंबर पे, चौथे पे देखेंगे एज, न्यू ओल्ड, ऐसा कुछ है? ओल्ड है, ये रहा ओल्ड आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट आएंगे शेप, राउंड, ट्राइंगल, स्क्वायर वगैरह कुछ है ना? नहीं है, हाँ स्क्वायर है यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जगह फिफ्थ पे। चलिए सिक्स पे बात करते हैं, कलर, कलर दिया हुआ है ब्राउन कलर, ये देखिए कलर ब्राउन ही तो होता है ना, चलिए ब्राउन एक कलर है। चलिए ओरिजिन, इंडियन, अमेरिकन कुछ लिखा हुआ है ना? इंडियन लिखा हुआ है, ये जाएगा सेवेंथ पे। फिर नेक्स्ट इज ओरिजिन, अच्छा ये हो गया, सिक्स पे कलर आना चाहिए था ना, तो सेवेंथ पे। अच्छा एट में मटीरियल, मटीरियल गोल्ड सिल्वर वगैरह कुछ लिखा हुआ है ना? गोल्ड सिल्वर, अच्छा ये रहा वुडन ना, लकड़ी का, तो ये सेवेंथ नंबर पे, सॉरी एट नंबर पे, क्योंकि सेवेंथ तो आ चुका था, एट पे। नाइन्थ पे क्या है अपना? पर्पस, पर्पस क्या है? और सारी चीजें हो ही चुकी है, इधर देखो, तो आपको ऐसे बनाने सेंटेंस को, माय मदर हैड अ ब्यूटीफुल बिग ओल्ड स्क्वायर ब्राउन ब्राउन इंडियन वुडन कॉफी टेबल इज द राइट आंसर, क्लियर। और ये काफी ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए दो क्वेश्चन और है, इसके बाद आप कभी भी इधर से ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप उसे डील कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, रोहित गिफ्टेड मी, रोहित ने मुझे गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको तो अलग हटा ही देते हैं। मी एन एक्सपेंसिव, देखिए एन आया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है एक्सपेंसिव, अब कोई चीज एक्सपेंसिव होना क्या है, जैसे स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, ये सेकंड नंबर पे आया। थर्ड नंबर पे लॉन्ग, देखिए बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट, ये थर्ड नंबर पे आया। मल्टी कलर्ड, अब इसमें एज नहीं दी गई है डायरेक्टली, उसने ये कलर पे ना जंप मार दिया, तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, तो ठीक है इन दोनों के बारे में उसने बात ही नहीं की है ना। अब आ जाएगा वुलन, है ना वुलन, कितने पे आ जाएगा ओरिजिन, तो यहाँ पे पांचवे पे आ जाएगा। अब आप ये मत समझना कि वो सातवें पे, तो यहाँ पांचवे पे क्यों आ रहे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें स्किप की जा सकती है, लेकिन आपको ऑर्डर वही रखना है। और लास्ट वन इज स्वेटर, तो ये पूरा सेंटेंस आपको सही लिखा हुआ है ना, आपका ये सेंटेंस पूरा सही लिखा हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ टू, मैंने देखा किनको, दो, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे दो ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, ये सेकंड नंबर पे आया। थर्ड पे है टॉल, देखिए टॉल, बिग स्मॉल टॉल, है ना, तो ये तीसरे नंबर पे सही लिखा हुआ है, इसका मतलब सब सही चल रहा है अभी तक। यंग, न्यू, ओल्ड, लेटेस्ट के अंदर यंग ही तो आएगा, तो फोर्थ नंबर पे ये आ रहा है। फिर ऐसे ही बात करें हम ब्लैक हेयर, तो इसमें
एज के बारे में मेंशन नहीं किया गया है ना कि भाई न्यू है वो, अच्छा सॉरी यंग तो हो गया था, एज के बारे में था, शेप शेप के बारे में दिया गया कि भाई वो राउंड है स्क्वायर है कैसे है, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता, राउंड है स्क्वायर है ट्राइंगल है, तो इसको अड़ला घटा दिया उन्होंने। उसके जस्ट तुरंत बाद कलर की बात की गई है तो कलर लिखा हुआ है ब्लैक हेयर्ड, है ना, ब्लैक हेयर्ड रशियन गर्ल्स, रशियन क्या हो जाएगा एक ओरिजिन और गर्ल क्या हो जाएगा नाउन, क्लियर। सो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये बच्चे इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये पेपर में आपसे पूछा जाता है, सो इसी पे हमने इसलिए वीडियो बना दिए है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और आप है ना हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, हाँ मैं अनअकैडमी पे भी हूँ, देखिए जैसे कि मैं आपको अपना वो बता देता हूँ रेफरल कोड, अगर आप अनअकैडमी पे जाएंगे तो मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। वहां पे अगर आप मतलब मेरा इंग्लिश का पूरा सिलेबस अगर खरीदना चाहते हो कोर्स तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उसके अंदर एक रेफरल कोड अगर आप डालेंगे इंसर्ट करेंगे, दिस इज वो रेफरल कोड है गेट सक्सेस पॉइंट, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा गेट सक्सेस पॉइंट, अगर आप डालेंगे तो आपको 10% जितना भी उसका मतलब सब्सक्रिप्शन होगा जितना भी चार्ज होगा फ्री अमाउंट होगा उसके हिसाब से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो इस नंबर पे मुझे, मेरा नाम है रवि कुमार, 8287886768 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ आपको मतलब आपको सिखाया होगा इस वीडियो ने, और ये सच में वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस पे आपको वीडियो चाहिए, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस जिस पर भी आप चाहते हैं हम उस पर जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।